1, 2. अरे एक मिनट, मुझे अभी याद आया, आज तो पंचमी है, यानी कि दुर्गा पूजा भी शुरू हो गई है। वाओ, दुर्गा पूजा पे दुर्गा माँ की कहानी याद आती है ना, किस तरह उन्होंने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। ये तो हुई दुर्गा माँ की कहानी। वैसे आज कहानी तो सुना रहे हमारे राधा कृष्ण भी, खुद राम सीता बन के सुना रहे उनके स्वयंवर की कहानी। वाह, स्वयंवर का ये सीन देखना पड़ेगा। महादेव का परम भक्त इस धनुष को नहीं उठा पाया, इस संसार में और कौन उठा पाएगा इस धनुष को? परशुराम का दिव्य धनुष स्वयंवर का आयोजन कृष्ण की रामलीला, राधा का सीता अवतार, रावण का अहंकार। स्टार भारत की सीरियल राधा कृष्ण में शुरू हो चुका है कहानियों का दौर, तो आज कृष्ण अपनी राधा को सुना रहे हैं सिया और राम के स्वयंवर की कहानी, जहां खुद कृष्ण ने ले लिया है श्री राम का अवतार और राधा बन गई हैं माँ सीता। जनक पुत्री सीता के स्वयंवर का आज राजमहल में आयोजन किया गया है, जहां बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धा और राजा महाराजा आए हैं सीता के स्वयंवर में सीता के साथ विवाह रचाने की मंशा लेकर। लेकिन राजा जनक की एक शर्त है, जो भी उन्हें दिए गए परशुराम के इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ देगा, सीता का विवाह उस पराक्रमी योद्धा के साथ कर दिया जाएगा। और फिर शुरू हुआ शक्ति प्रदर्शन। एक से बढ़कर एक सूरमाओं ने अपना दम दिखाया, लंकापति रावण ने भी खूब जोर लगाया, लेकिन धनुष को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाए। अहंकारी रावण के जाने के बाद ऋषि मुनियों ने राजमहल में राम और लक्ष्मण को भी आमंत्रित किया, और अब वो घड़ी आ चुकी थी कि स्वयं भगवान राम परशुराम के इस दिव्य धनुष को तोड़कर सिया संग ब्याह रचाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, एक ही झटके में राम ने धनुष को तोड़ दिया। लेकिन परशुराम को उनके दिए हुए दिव्य धनुष के टूटने पर क्रोध आ गया। तभी बड़ी विनम्रता से राम ने परशुराम के गुस्से को शांत किया और उनके पराक्रम की चर्चा भी की। खुश होकर परशुराम ने श्री राम को अपना एक दिव्य धनुष भेंट में दिया, जिसे बड़े ही आदर से राम ने ग्रहण भी किया, और इस तरह संपन्न हुआ सिया और राम का स्वयंवर, जिस अद्भुत कहानी को श्री कृष्ण ने राधा को अपनी जुबानी सुनाई। और अब रहेगा किसी नई कहानी का इंतजार। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।